मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विदिशा में 350 बिस्तर के जिला चिकित्सालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रहे हैं, जबकि भाजपा राजनीति ही मिलावट की करती है। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल का नाम माधव राव सिंधिया के नाम पर और अस्पताल की क्षमता 500 बिस्तर करने की घोषणा की। मैंने तो खुद तय कर लिया था यहाँ आने के पहले कि मेरे साथी मेरे मित्र माधव राव सिंधिया जी के नाम पर यह अस्पताल होगा। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ, माधवराव सिंधिया जी के नाम पर 350 बेड का हॉस्पिटल हो ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये 500 बेड का होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र मध्य प्रदेश में हुई अतिवृष्टि का पैसा नहीं दे रहा है, जिससे किसानों को उनका हर्जाना नहीं मिल पा रहा है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने अपने भाषण में शिवराज सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अतिवर्षा से लगभग 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे सीएम कमलनाथ हमारे नानाजी मोदी और अमित शाह से 2 बार मिल चुके हैं, पर उन्होंने अब तक मध्य प्रदेश को एक थैला भी नहीं दिया। राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, पर हमारे नानाजी शिवराज सिंह के पिता श्री मोदी जी ने एक पैसा भी प्रदेश को नहीं दिया, जबकि कर्नाटक और बिहार को पैसा दिया है। नानाजी जो बैठे हुए शिवराज सिंह के पिता श्री मोदी जी, एक पैसा भी इस प्रदेश को नहीं दिया, जबकि कर्नाटक में जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जिसको गिरा कर उन्होंने भाजपा की सरकार बनाई, वहां इन्होंने पैसा दिया। बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार की सरकार मिलजुल कर भाजपा की बन रही है, वहां पैसा दिया। लेकिन हमारे यहाँ का गरीब किसान, रोडों की हालत कितनी खराब है, लेकिन एक पाई उन्होंने नहीं दिया।